आजकल की सेंसुअल सिजलर बिकनी क्वीन जो खिताब दें आप, लेटेस्ट बहुत से हैं उनके पास। प्लीज वेलकम बालिका शरारत। नमस्कार, या आप सिर्फ हाय समझती हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो भारतीय नारी हूँ। नमस्कार। ये आप नमस्कार कर रही हैं या कामा सूत्रा का कोई पोज ले रही हैं? खैर, अब बताइए कि आपकी सिर्फ दो फिल्में लगी हैं। पहली फिल्म में ही आपने कुछ 15 चुम्मे ले लिए थे। 17 चुम्मन। ठीक है, तो स्वीट 17। दूसरी फिल्म में आपने तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिए, कुछ 25 किस्म की बिकनियों के प्रदर्शन कर लिए और साथ में कई हॉट सीन भी कर लिए। क्या यही इमेज लेके चलना चाहती हैं आप? हाँ? देखिए, मैं बहुत प्रोफेशनल किस्म की एक्ट्रेस हूँ। जो स्क्रिप्ट डिमांड करता है मैं तो वही करती हूँ। मैं तो अपने आप को डायरेक्टर के हाथ में पूरी तरह से समर्पित कर देती हूँ। कम्प्लीटली इन द डायरेक्टर्स हैंड्स। एंड व्हाट हैंड्स, व्हाट हैंड्स। वेलकम बैक, वेलकम बैक। हाँ जी, आपकी जो डोंट टच प्लीज, डोंट टच। हाँ जी, आपकी जो हाल ही में फिल्म लगी है जिसका क्या नाम था उसका? मर्डर। हाँ, मर्डर। उस मर्डर फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर की रेपुटेशन के आपने पूरे मर्डर कर दिए। ये क्या कहे कि वो फिल्म सिर्फ आपकी वजह से चली है, आपकी। और उसके जो प्रोड्यूसर हैं महेश हट साहब, उन्होंने कहा कि आपको अपनी हर फिल्म में से हट कह जाएंगे, कभी लेंगे नहीं। उसके बारे में क्या कहना है आपको? Oh, that is their loss. देखिए, मैं तो अभी सिर्फ ऊपर देख रही हूँ। मैं एक पिक्चर कर रही हूँ इंडियाज ओरिजिनल हॉट मैन के साथ, गरम दरम के साथ। किस किस की किस मत, किस किस की किस मत, तीन तीन किस और मत मारी गई है। जो लोग फिल्म जाके देखेंगे मुझे लगता है पता नहीं कितनी किसेज होंगी उसमें। और क्या धर्म जी के लिए भी आप आजकल कैंपेनिंग कर रही हैं बीकानेर में जाके? अगली फिल्म कौन सी होगी आपकी? बीकानेर की बिकनी। How do you know? आपको कैसे मालूम? वो तो टॉप सीक्रेट था। टॉप सीक्रेट, अब तो ये बॉटम सीक्रेट भी है। और उसमें क्या पहनेंगी आप? 3 पीस, 2 पीस के 1 पीस? नो पीस। क्या क्या, व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब क्या आपका है? देखिए, मेरे अगले पिक्चर में यही ड्रेस पहनूंगी। ये क्या हैंगर पहनेंगी आप? बिल्कुल नहीं, अरमानी जी ने इटली से सिला के भेजा है मेरे लिए। देखिए कितना अच्छा है, दुनिया का पहला बिकिनी जिसमें कपड़ा नहीं है। नो मटेरियल, नो कपड़ा। बिना कपड़े वाली बिकिनी। सही है, सही है, सही है। इसे देखने के लिए बिना दिमाग वाले लोग ही थिएटर में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो ये थी मिस बालिका शरारत। वी विश हर ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।